उच्चे बुरज लाहौर दे जिते चलते चार मसाल, एक पासे दा दाता मालक दूजे दा माधू लाल, इत्थे ही मियाँ मीर दी बस्ती इत्थे ही शाह जमाल। उच्चे बुरज लाहौर दे जिते चलते चार मसाल, पीसी रिकॉर्डर जिन्हें असीं पंजाब कल्चर टीवी कहने हैं, रोमियो जालब अज लाहौर च मुगल कन्वेंशन हो रहा है ग्रैंड मैरिज हाल च, वो तुहानू विखाउण वास्ते असीं हाजिर होए हैं ताकि मुगल बरादरी के लोगों के तासुरात वो किस तरह आए ने, कि दूरों आए ने, वो की ख्यालात रखते हैं, इतने आके अपने यार दोस्तों ना मुलाकात करते हैं, तो दूसरे जी बरादरी है वो भी यह कन्वेंशन कर करा ताकि लोग आपस बरादरी के हवाले गल कर सकन। असी हुण लोगों को पूछिए मुगल बरादरी दे वो की कहिंदे ने, आओ चलिए। अब अगर आप सही माना में मोहब्बत करेंगे, आपस में जुड़कर मोहब्बत करके चलेंगे तब काम होगा। कबीरा ने कहा है मोहब्बत ऐसी करियो जैसे करे, मोहब्बत ऐसी न करियो जैसे लंबी खजूर। हो रहे है भूख लगा भाजी अजीम साहब बड़ी प्यारी शख्सियत ने, चेयरमैन सिंध ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸ਼ੌਕਰ ਇਕਬਾਲ ਗੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਤਿਸ਼ੀਫ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਵੇਦ ਮੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਸਤਿਸ਼ੀਫ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਨਕ ਸੂਸੀ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਹੈ। जनाबे परवेज मोगल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाबे अलीमुद्दीन अलीम मोगल साहब को गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब सफदर शबीर मोगल साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब कर्नल साहब से गुजारिश है सर, क्या करना है बहुत सारे लोगों ने मेरा मतलब एक बार खड़ी बनने की कोशिश की थी कि किसी तरह प्रोग्राम बहुत सारा लेकिन शुक्र है आपको बताया ऐसा कि बहुत बड़ी साजिश थी चढ़ी आज पूरी हो गया सारे हाथ एक लाइन में सर हो जाए। पिंडाल में बैठे हुए मौजूद मेहमानान से गुजारिश है कि कौमी तराना के एहतराम में अपनी सीटों से खड़े हो जाएं। अभी कौमी तराना ते मुगल भी कहलांदे ने या तुसी अलगा वैसे ए वैसे ही कन्वेंशन चाहिए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह ए सी जानना चाहते जी बड़ी सोहनी गल की कौमी तराना चला दी बहुत मेहरबानी है। कोई मेरी थावर का एक निका जहा दीवा बोलिया रात पे वेखांगे वो सो तुसी अज सारे वेखते पए हो कि माशाल्लाह पाकिस्तान के हर हिस्से दे विचों सब लोग आए ने और बड़े प्यार दे नाल आए। मैं हमेशा शिकवा करनी होंगी कि हर जगह जिते मैं जानी हाँ बहुत सारे जेल भी गई जिते जिते भी मैं अपने ने सद्या मैं बड़े प्यार नाल पहुंची, लेकिन एक गल का दुख होंगे कि तुम सारे मुगल बरादरी के लोग इकट्ठे होए हुए हो। पहले मैं तुम ये दसो तुम्हारी कुड़ियां कितने ने, किसी की एक भी बीवी भी नाल हैगी है कि गल कर मतलब है कि जो कोई भी काम होया तो यह सिर्फ साढ़े सिर तक ही होना चाहिए जी असं तो ही हाँ। फिर तुम जो सज्जे खड़े हो बुढ़ी आ गई तो नहीं आ गई अभी सोने के सारे ही होने देखी कोई बुजुर्ग बहुत ही सोने हो गए।
ऐसे ऐसे करवाई कि सानू सारे इकट्ठिया होने की बहुत जरूरत है। ये गल तुम अब देख लिता गया कि पंडाल की औरत नहीं मिली है, चीज का बहुत दुख है कि औरतों की तादाद 52% औरतों ने रख के काम आ सा। बेशक तू मालक है मुल्कां दा, बेशक तू मालक है मुल्कां दा, सानू करना वक्त तेरे काम आसा। काम लखां नाल भी पै रहिंदे ने, काम लखां नाल भी पै रहिंदे ने, सानू आज चाचा की तेरे काम आसा। सखों बाद के शासन हक चा सेती, सखों बाद के शासन हक चा सेती, शाला थीने लख मुगल कन्वेंशन हो रहा जी, ग्रीन ग्रैंड मैरिज बड़ा शानदार है। बड़ी सोहनी गल है कि अपनी अपनी बरादरी के लोग भी इस तरह कन्वेंशन कराते हैं। साढ़े को सिंध तो आए ने, की नाम है भाई थोड़ा, जरा दस थोड़ा दसो बड़ी दूरों आए हो तुम इस कन्वेंशन सब आने वास्ते। तुम दसो इस कन्वेंशन के बारे च की तुहाडे तासुरात ने, होना चाहिए इस तरह मुगलों को इकट्ठा होके जद्दोजहद करनी चाहिए। मुगल साहब के साथ आया हूँ, मुझे देख कर बहुत खुशी हुई है। बड़ा प्यारा हो रहा है, बड़े लोग दूरों दूरों भी आए ने, साडे कोल बड़े प्यारे भाई बैठे ने। तुसी लाहौरों आए हो, लाहौरों बाहरों आए हो, लाहौरों आए हो, तुसी बड़ा प्यारा शानदार है मुगल कन्वेंशन करवा रहे हो। इत्थे च अपनी बरादरी दे सारे लोग शामिल ने, इस तरह होना चाहिए बरादरियां च। तुसी की महसूस करते हो इस कन्वेंशन जाके? मुगल का हिस्सा है, नौजवान नस्ल को मुगल खानदान की तारीख से आगाह करने के लिए तालीमी और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिससे नई नस्ल को माशरे का जिम्मेदार अफराद कामयाब इंसान बनाकर अपना किरदार अदा करने के लिए काबिल बनाया जाएगा। फलाह बहबूद के मंजूबा मुगल खानदान के तमाम अफराद की फलाह बहबूद के लिए और हुकूमत च भी शामिल ने कई सारे भरा ने, को अपनी राय का इजहार करने की आजादी होगी कि हमारे मुनासिबात और प्रोग्राम में काटे और जिले भी साथी ने, ये भी लोरों ही आए ने, जरा मुलाकात करा दियो ना शान कर ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅੱਜ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਗਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੁਦ ਇਤਸਾਲੀ ਕੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।
हर फैसले में इंसाफ और ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए अपने आप को हर वक्त इंसाफ के लिए पेश किया जाए। हम मुगल खानदान के अफराद को मुसलसल तरक्की और जिद्दत से विश्वास करने के मौके फराहम करेंगे ताकि एक जदीद और तरक्की याफ्ता माशरा तश्कील दिया जाए। मुस्तकबिल करीब में अगर खैर के उन मंसूबों पर अमली तौर पर काम किया जाएगा और जो दूसरे मुगल खानदान की फिलाह और बहबूद के भाइयों की ना तुम्हारा बड़ी बड़ी दूरों लोग आए ने, मैं अक्सर वेख्या सिंध तो भी लोग आए ने, हैदराबाद तो आए ने, बड़ी वड्डी गल है। अपने खर्चे देने की तुहाडी कोई सोसाइटी उन्होंने कोई फंड वगैरह? अच्छा अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी गल है, जोश और रोश नाल आए ने। की कहोगे फिर अज दी महफिल च? अपना मुस्तकबिल किरदार अदा करने के काबिल बनाओ। माशाल्लाह इस तरह का प्रोग्राम होना, मेडिकल की सहूलत रहनुमाई, पाकिस्तान मुगल सुप्रीम काउंसिल के जेर एहतमाम मुगल कम्युनिटी के अफराद की मेरे आपस के बीच एक ताल्लुक मजबूत होता है। कैंपों और फ्री मेडिकल चेकअप का इंतजाम करने का फैसला किया गया है, मिलने का मौका मिलता है। इसके अलावा मिस्टेक अफराद को बड़ी सोहनी जी गल की है, मिलने का एक माना है, मौका है और अपनी बरादरी दे लो। सर अभी तुम विखा रहे हैं कि मुगल कन्वेंशन ग्रेड मैरिज हॉल च बड़ा सोहना हो रहा है और बड़ा सोहना इन्होंने इंतजाम किया है, तो साढ़े को बड़ी प्यारी शख्सियत ने की ना थोड़ा मुगल साहब जी कयूम अब्दुल कयूम मुगल साहब, तुम लाहौरों आए हो? जी मैं लाहौर मेरे दिल में यह जज्बा है कि जो सारे इकट्ठे होने चाहिए ने, गरीब होवे अमीर होवे हर होवे इकट्ठे होने चाहिए ने ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। असी पाकिस्तान की आबादी के लिहाज में अभी 6 करोड़ मुगल हाँ, अगर 22 करोड़ की आबादी है तो 6 मुगल ही ने अलहमदुल्ला, और जगह जगह पर कन्वेंशन शुरू हो गए हैं, कराची हो रहा, कभी भुजरांवाले हो रहा, कभी लाहौर हो रहा है, यदा मतलब है कि आसा आसा सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मौका दूर नहीं गा, जो पहले मुगलिया खानदान की हुकूमत रही तो दोबारा भी इंशाल्लाह ताला आएगी, क्योंकि मुखलिस लोग ने इंजीनियर डॉक्टर हर किस्म के शोबे के पढ़े लिखे ने, अभी काम के लिहाज में कोई जरा ना प्रोफेशनल काम करता है, लोहारा काम करता है, कोई काम करता, यानी कि हाथी भी काम करने वाले और पढ़े लिखे भी लोग। कयूम साहब एक होर गल हैगी है, अक्सर सुने कि मुगल लोग अपने ही खानदान की छाती करते हैं, बाहर नहीं करते, कदेगी जरूरी नहीं गा। अच्छा जरूरी नहीं गा, देखो जी बाबे आदम की औलाद है सारे, है जी पढ़े लिखे हो, बंदा कमांदा हो खादा हो, नहीं ना लोग कई ऐसे टाइप किसी बरादरी पहले 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 नाम था जी, पहले ऐसे ही सी, लेकिन साढ़ा किसी ने ला भी नहीं करते बरादरी, सारे साढ़े भरा ने फंक्शन हो रहा साडा, इस तो हट के जो लोग ने लैके तुरे ने कमेटियां वो भी साढ़े भरा वो भी साढ़े भरा है जी, असी अलहमदुल्ला सब लैके टुरना है, असी किसी के खिलाफ नहीं हाँ ना कोई साढ़े खिलाफ है, क्योंकि जो असी बाहर निकले हैं ऐसे वसे से निकले हैं तो सारे मुगल भरा जो असं कट्ठे हैं है जी, तो जे असी फरकाबंदी पावे तो वह ठीक नहीं गा, तो अगर दूसरिया बरादरियां भी असं उन्होंने प्यार करने हैं तो वो कल तारीफ करनगे साढ़िया कि मुगल बरादरी यार बड़ी छी है, अगर वो साढ़े नाल बरादरी तो नहीं आ सकते लेकिन साढ़े नाल दोस्ती भरावंदी कर सकते, वो तो जारी रहेगी ना, जारी रहेगी अलहमदुल्ला, जो साढ़ा मिशन है चलो हुक्म शुरुआत हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि 2025 तो बाद हुकूमत साड़ी होगी अल्लाह के हुक्म नाल, चलो इंशाल्लाह। बाकी है कि असी फंक्शन देखे बड़ा जबरदस्त जा रहे हैं, लोग बड़े शिरकत कर रहे हैं, शुक्रगुजार हाँ है जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, शायद हर बंदा जो उन्होंने हर बंद जाके मिले बुलाया, हर बंदा आ रहा है, बड़ी सोहनी गल है, इंशाल्लाह ये कन्वेंशन होंगे तो होते रहने लोही साढ़े को बड़े प्यारे भाइयों खलोते ने भी मुगल कन्वेंशन से शरीक होए ने, तो कि शहर तो आए हो? मैं शेखपुरा शहर तो आया, तो की कन्वेंशन चाहिए की महसूस कर रहे अक्सर मुगल और साढ़े भराव दावत दी अहे इन्हों की मुहब्बत ही और दोस्तों प्यार मुहब्बत इन बढ़ाने इतने मेरा मुहम्मद तारिक मुगल है, मेरा ताल्लुक लाहौर से हम भी इसमें आए हैं शाम बड़ा प्यारा प्रोग्राम रखा उन्होंने, मैं तो खैर पहली मतलब
ये तो आते रहते हैं, इनकी तो सदर है लाहौर के, इसके जगुपुरे के कारकुन है, ये हमें इज्जत बख्शी लो जी। इस मुगल कन्वेंशन के बड़े प्यारे भाइयों बैठे ने, कि ना तो लोरों आयो बड़ी बड़ी दूरों लोग इस कन्वेंशन च आए, की महसूस करते हो? अपनी बरादरी के लोग कट्ठे हुए हैं, जुमला टीम दोस्त वगैरह और इसके रूहे रवान और सदर स्पीड बॉम्बर, पहली बार आए हो या पहले भी अक्सर आंदे? एसएन साहब को अपनी बरादरी के कन्वेंशन च बड़ी गल होंगी अपनी बरादरी, खुशी महसूस हो, कन्वेंशन हो, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया लो जी। इस मुगल कन्वेंशन और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 दिन पहले वहां पे हमने मुगल फेडरेशन के चेहरे से आया एक ग्रेट प्रोग्राम करके वहां किया, लोगों ने ये साबित किया कि वाकई मुगल एक कौम है और वो एक पहचान रखते हैं। मेरे दोस्तों, एक तरफ से हम कहते हैं कि हम तारीख के बारे से उठाकर कहते हैं कि हमने हुक्मरानी की, हमने ये किया, हमने वो किया, तो आज मैं उन दोस्तों से सवाल करता हूं जो हमारे पीछे बैठकर उस तारीख को दोहरा रहे हैं, जो हमारे तारीख में हमारे उन बुजुर्गों के साथ तारीख को दोहराया गया था, हमारी अपनी तारीख कहते हैं। हमें इन बातों पे सोचना होगा, हमने आज सेवेंटी के दौर में हम कितने पीछे, हमने ये देखना होगा। अगर सूबों के हवाले से बात करूं तो मेरे सूबे का कुछ इराक सा एक नक्शा है, मेरे सूबे के अंदर एजुकेशन की कमी नहीं है, वहां पर रिसोर्स। एसन साहब बड़े प्यारे नाले कन्वेंशन का मुकद्दस कराए गए मुगल दे मुगल जिहड़ा बरादरी है ओहदे वास्ते बड़ा शानदार उन्होंने कन्वेंशन करवा रहे ने और बड़े प्यारा लग रहा है। की कहोगे सर, तुहाडी बड़ी कोशिश ने इस बारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम शहरों में कन्वेंशन हो रहे थे, सिर्फ लाहौर रह गया था, तो उसके लिए कोशिश की गई है कि यहाँ पे जितने मुगल बरादरी के दोस्त हैं उनको मैसेज दिया जा सके, जितने बड़े हमारे अच्छे कम्युनिटी के लोग हैं, ताकि सारे मिलजुल बैठें और बरादरी को अच्छे लेवल पर सपोर्ट कर सकें। और बड़ी बड़ी दूरों लोग आए हैं, कोयटे से आए हैं, सखर से आए हैं, कराची से आए हैं, मैं सब दोस्तों इस कन्वेंशन में पिछले तीन तीन चार चार साल से सफर, तो ये सिर्फ बरादरी के लिए मोहब्बत है, तो सब यहाँ पे आ जाए। बहुत शुक्रिया।